हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास इलेवन सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सात प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हमें पता है कि आउटपुट के लिए हमें इनपुट चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए सो so, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनपुट के फॉर्म में यूज की जा सकती हैं वो है लैंड लेबर एंड कैपिटल आर कॉमन इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ प्रोड्यूसर यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच ऑफ लेबर कितनी आपको लेबर चाहिए कितना आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस गिवन क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी सो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ठीक है तो ये एक फंक्शन रिलेशनशिप है फिजिकल इनपुट्स का और फिजिकल आउटपुट्स का कि कितने इनपुट्स की जरूरत पड़ती है फिजिकल आउटपुट को जनरेट करने के लिए <coughs> तो दूसरे शब्द शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ फॉर्म फॉर्म्स प्रोडक्शन एंड द मटीरियल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूजली इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वो क्या है पहले क्यू एक्स कैसे आएगा फंक्शन ऑफ एल एंड के यहाँ पे क्यू तो आपको समझ लग गया है कि फिजिकल आउटपुट है ठीक है क्वान्टिटी जिसको हम बोल सकते हैं ठीक है ऑफ कमोडिटी एक्स और फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर एंड के इज़ द फिजिकल आउटपुट इनपुट ऑफ कैपिटल के स्टैंड फॉर कैपिटल हेयर ठीक है सो द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन टेक्नोलॉजी और अ गिवन टेक्निकल नो हाउ ठीक है और ए गिवन टेक्निकल नो हाउ के लिए ये जरूरी है ठीक है जी मतलब वो कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं कि गिवन टेक्निकल नो हाउ मतलब कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहेगी प्रोडक्शन फंक्शन में ओके okay जी तो चलिए नेक्स्ट आप बात करते हैं अब कि फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं इनपुट फैक्टर्स हैं वो आगे दो तरीके से बांटे जा सकते हैं फिक्स एंड वेरिएबल सो फिक्स फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इन फैक्ट फिक्स फैक्टर्स आर इंस्टॉल्ड बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट तो आउटपुट जब एक्चुअली स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही वो शुरू हो जाता है मतलब प्लांट या मशीनरी है वो आपको इंस्टॉल पहले ही करनी पड़ती है प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही करनी पड़ती है तो इसका मतलब वो जीरो प्रोडक्शन पे भी वो ख़र्चा आपका हो रहा है इनपुट के फॉर्म में फिक्स फैक्टर लगा हुआ है दादाजी मशीन इज देयर इवन वैन आउटपुट इज़ जीरो तो मशीन तो है जब आपकी फैक्ट्री बंद है या छुट्टी है या किसी और वजह से बंद है मशीन तो तभी वहाँ पर अवेलेबल है तो वो फिक्स फैक्टर है चाहे आउटपुट जीरो आ रही है तो वेरिएबल फैक्टर क्या है आर द द एप्लीकेशन ऑफ विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट लेबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फैक्टर यू नीड मोर लेबर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट तो वेरिएबल फैक्टर का मतलब जैसे नाम से ही कर पता चला इट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट कि आपको उतने ज्यादा लेवल के ऑफ इनपुट्स uh, बढ़ाने पड़ेंगे जितना आप ज्यादा आउटपुट या प्रोडक्शन चाहते हो दस यूज़ ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर्स इज ज़ीरो वेन आउटपुट इज़ ज़ीरो इट इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेज ठीक है जी सो so, अब हम बात करेंगे एक शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है तो स्टूडेंट्स शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन आपको पता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है वैन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाई इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स जिसमें अपने प्रोडक्शन सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के ही इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है इसमें हम फिक्स फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं सो so, मतलब कांस्टेंट मान के नहीं चलते कांस्टेंट होते ही हैं क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड इतना शॉर्ट होता है कि इसमें आप फिक्स फैक्टर्स को नहीं बढ़ा सकते सो प्रोडक्शन कैपेसिटी रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड व्हेन वेन फैक्टर इज फिक्सड फैक्टर एंड द अदर इज वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन मे बी स्पेसिफाइड एज अंडर फंक्शन ऑफ एल एंड के फंक्शन ऑफ एल एंड के मतलब लेबर का और ये कैपिटल का यहाँ पे कैपिटल क्या है जो बार लगा हुआ के बार ये इसका मतलब के फिक्स्ड फैक्टर है ठीक है जी चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ लेबर दैट इज वाई शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल परपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल फैक्टर रेशियो क्या होती है रेलिवेंट टू शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन ओके okay जी तो इसका ये हमारा डायग्राम बनेगा कि लेबर के या यूनिट्स बढ़ या कम रहे हैं या बढ़ भी रह सकते हैं और यहाँ कम भी हो सकते हैं और बट कैपिटल कॉन्स्टेंट है ठीक है जी अब हम आगे बात करेंगे लॉन्ग रन की सो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम वैन द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स वेनिश जब फिक्स फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर्स का डिफरेंस खत्म हो जाता है तब हम उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स लॉन्ग पीरियड इज अ वेरी लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फॉर्म एंड प्लांट साइज कैन बी चेंज और मोर एंड मोर ऑफ मोर प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड द द्ट इज फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड बिकम्स वेरिएबल क्योंकि लॉन्ग पीरियड में आपके जो फिक्स फैक्टर हैं वो भी तो आपके इंक्रीज हो सकते हैं पहले आपके पास एक प्लांट था अब दो प्लांट हो गए मशीनरी बढ़ गई ठीक है तो लॉन्ग पीरियड में दोनों फैक्टर्स पूरे के पूरे बढ़ सकते हैं ठीक है जी इसलिए दोनों चेंज हो सकते हैं दैट इज वाई लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट परपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन ठीक है उसके बाद थ्री वाइटल डिफ्रेंस बिटवीन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कौन से हैं इसमें पहला जो डिफरेंस है मेन वो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ वेरिएबल परपोर्शन टाइप फंक्शन वाइल्ड द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉन्स्टेंट परपोर्शन टाइप फंक्शन बोला जाता है तो वेरिएबल प्रपोर्शन का मतलब है कि इसमें अब एक फैक्टर वेरिएबल रहेगा ठीक है जी तो ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहे हैं तो फिक्स फैक्टर में जब लॉन्ग रन है उसमें जो फिक्स और वेरिएबल का डिफरेंस खत्म हो जाता है और वो कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में चेंज होते रहते हैं दूसरा ये है जो डिफरेंस है स्केल ऑफ आउटपुट इज कॉन्स्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट कॉन्स्टेंट रहती है इन केस ऑफ आउटपुट का लेवल नहीं बढ़ेगा यहां पे स्केल की बात करें तो लेवल ऑफ आउटपुट उतना ही रहेगा अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है आपकी मशीन की तो वो नहीं बढ़ेगी वाइल इन इट चेंजेस इन केस ऑफ लॉन्ग रन फंक्शन में आप नई मशीन ले आओगे बढ़िया मशीन लाओगे एक और मशीन ले आओगे तो लेवल ऑफ आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा उसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्जिबिट रिटर्न टू अ फैक्टर वाइल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट रिटर्न टू स्केल शॉर्ट रन में आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो बट लॉन्ग रन प्रोडक्शन में आप रिटर्न टू स्केल का मतलब कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द प्लांट वो आप चेंज कर सकते हो ठीक है फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स कैन बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ठीक है जी तो so, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इनका डिफरेंस सो so, इनका डिफरेंस क्या है शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन का लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन से सो शॉर्ट पीरियड की पहले बात करेंगे इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो टेंस टू चेंज विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और इधर इट इज प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो चेंज विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ओनली आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ठीक है जी उसके बाद है स्केल ऑफ आउटपुट रिमेंस कॉन्स्टेंट नो मैटर वट द लेवल ऑफ आउटपुट इज इसमें स्केल ऑफ आउटपुट कॉन्स्टेंट रहेगा और इसमें स्केल ऑफ आउटपुट टेंस टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट आपका चेंज हो सकता है उसके बाद है शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद द रेफरेंस टू रिटर्न टू ए फैक्टर ठीक है और इस तरफ लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद द रेफरेंस टू रिटर्न टू स्केल तो स्टूडेंट्स ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था तो इसलिए ये नहीं कि सीधा ट्रांसलेट करके आपको बता दिया यही सारी चीज़ें पीछे आपको पढ़ी है आपने और उसी को ही अंडरस्टैंड किया है ये उसका बस एक तरह से कह लो कि दोनों शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की ये एक समरी की तरह आपको एक कंपेरिजन के फॉर्म में बता दिया है ठीक है जी तो आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए वीडियोस को स्लो करके पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाए और ये मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बाकी टॉपिक्स के लिए और इसके अगले पोर्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ देखते रहें ओके जी डन